अलबेली सरकार की। जो कामना आपकी हुई मन में, तो सबसे पहले क्या हुआ, मन उस वस्तु में गया, चला गया। आपको पता ही नहीं, आपके पास था मन बिचारा, आपने कामना बनाकर भगा दिया उसको। जिस वस्तु या व्यक्ति की कामना हुई, उस वस्तु या व्यक्ति में मन चला गया। इसका मतलब भगवान में नहीं रहा, इसका मतलब भक्ति समाप्त। आप कहें एक सेकंड को गया था, तो एक सेकंड को भक्ति समाप्त। और जब उसको कामना बनेगी, तो उसका फिर चिंतन होगा, मनन होगा, फिर तन निमित्त प्रयत्न होगा। तो प्रयत्न में भी चिंतन चलेगा, और जब तक वस्तु न मिल जाएगी तब तक मन उसी में रहेगा। जब वस्तु मिलेगी तो उसके सेवन करते समय भी मन उसी में रहेगा। तो फिर 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन है। चाहे किसी वस्तु या व्यक्ति में कामना बनाकर उसको फेंक दो, भगा दो, और चाहे अपने मनमोहन को रखो, ये दो विरोधी बातें एक साथ नहीं होंगी। तो संसार संबंधी कामना का तो मतलब ये हुआ कि जिसकी कामना की उसकी उपासना हो रही है, क्योंकि मन वहां गया और उसमें अटैचमेंट है, तभी तो कामना पैदा हुई। कामना पैदा होने का मतलब ये कि उसमें अटैचमेंट है, सिद्ध हो गया। अब जब उसमें अटैचमेंट है, हमको डिटैचमेंट करना है, भगवान की ओर लगाना है, तो वो हमने न करके कामना में लगाया, उस वस्तु या व्यक्ति में लगाया, तो मन वहां चला गया गंदे एरिया में। कपड़ा गंदा था और गंदगी में डुबो दिया। और कहते हैं हम सकाम भक्त, ये भगवान की भक्ति हुई ही नहीं। ये तो ऐसे समझिए जैसे आपका बेटा सीरियस बीमार है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आपका मन आपके बेटे के पास है। वो बीमार है, वो बोल नहीं रहा है, वो सुन नहीं रहा है, वो बेहोश है। फिर डॉक्टर से आप मिले और बड़ी व्याकुलता से रिक्वेस्ट किया, आप भाई रात को 12 बजे मैं नहीं जाऊंगा। भाई डॉक्टर साहब, लाइफ का सवाल है, डबल फीस लीजिए, चलिए। डॉक्टर को ले आया, तो ये डॉक्टर का जो इसने उसकी सहायता ली, इस सहायता का मतलब डॉक्टर का भक्त नहीं है। वो भक्त अपने लड़के का है, उसी में मन है उसका। डॉक्टर को बुलाया, फिर दवा लेने गया, फिर दवा मिलाया, फिर दवा पिलाया। ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं, ये इनमें अटैचमेंट नहीं है, क्रियाओं में अटैचमेंट बच्चे में है। जिसमें कामना है उसी में अटैचमेंट है, सीधी सी बात। पर इसलिए संसार संबंधी कामना तो सर्वथा त्याज्य है, प्रश्न ही नहीं उसका। तो अपने को समझे कि हम भगवान को मानते भी हैं, वो भगवान को मानता भी नहीं, प्रकांड नास्तिक। और अगर टेम्पररी नास्तिक है भी, आस्तिक है भी, भगवान ने हमारी सुन लिया, बेटा हमारा अच्छा हो गया, तो कल फिर बीमार हुआ और फिर भगवान से कहा और मर गया, तो भगवान भी गया। क्योंकि जिस यदि हम किसी वस्तु के लाभ
या प्राप्ति में किसी को रीजन मांगते हैं तो जब वो हानि होगी तो फिर उसी को फिर रीजन मानेंगे। भगवान ने मार दिया हमारे बच्चे को, पड़ोसी के साथ था तो आठवां बच्चा हो गया, हमारे एक का ही था तो मर गया। क्या है भगवान, भगवान भगवान करते अंधेर है भगवान, अन्याय है, गालियां भी दे देंगे।